क्या काम कर रही हो? क्या काम कर रही हो? कर दो बेटा। हेलो, हाय, हैप्पी बर्थडे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कुछ बनाने आई हूँ कि देखते हैं क्या बनाए अपने बच्चों के लिए। सो और यहाँ पर मेरे हस्बैंड दाल लेकर आए थे, दाल 4 तरह की। और ये है मलका मसूर, छोटी दाल है, ब्लैक वाली जो होती है खाने में, ये देखिए खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उसको हम हमेशा मंगवाते हैं। सो आप देख सकते हैं ये है दाल है, ये है जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे एक दिन पहले की आई हुई है, पर मैंने ऐसे ही रखी। मतलब हमको दाल एक टाइम बहुत पसंद होती है और खासकर मेरे हस्बैंड को बहुत दाल और राइस बहुत पसंद है। ये है एक काली वाली मसूर छुटके वाली, एक बिगड़ छुटके वाली मसूर होती है वो, एक अड़हर की होती है वो, और एक टाइम मेरे यहाँ दाल चावल ही बनते हैं राजमा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तो पसंद ये है दाल चावल लाए थे मेरे हस्बैंड। और इनको मैं डब्बा पलट दूँगी बनाते हैं, और क्योंकि एक टाइम मेरे यहाँ दाल ही बनती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल और राइस बहुत पसंद है, हो जाती है आराम से। और बताना, और यहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई मतलब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे जहाँ चावल ना खाएं, हर जगह चावल खाई जाती है। और एक टाइम मेरे यहाँ दाल चावल आजकल ज़्यादातर लड़कियों बहुत मतलब फेवरेट चीज़ें बन चुकी हैं, सबके घरों में लड़कियाँ चावल बहुत खाती हैं। और दाल चावल सबको पसंद आते हैं, मुझे थायराइड है, खासकर गर्मी के टाइम में तो सबको पसंद होते हैं दाल चावल। और यहाँ मेरा फास्ट है तो बच्चों के लिए कुछ बनाने आई हूँ। यहाँ देखिए, और तो मैंने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए पराठा चावल लाई हूँ, तो वो पराठा खा रहे हैं दोनों बैठकर आराम से। जब वो मैं उनसे वो प्यार से बैठ कर खाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है, और मैं उनका मतलब वीडियो शूट कर लिया है थोड़ा सा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे बच्चे कैसे लगे। और यहाँ मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह से मतलब थकान हो जाती थोड़ी सी, तो मैं लेट जाती हूँ बच्चों को लेकर, क्योंकि पूरा दिन बच्चे शरारत ही करते रहते हैं अगर इनको ना मतलब डांटो तो। हाय एवरीवन, और यहाँ मैं इवनिंग की चाय बनाने आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मैं 2 बार तो चाय पीती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं खाएं कम से कम चाय तो पी ही लें, उससे थोड़ा वो हम मतलब कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, चाय से बहुत मतलब पूरा दिन कट जाता है मेरा। अच्छे से खोला कर चाय किस किस को पसंद होती है प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और मुझे अच्छी तरह से जब तक 10 मिनट तक खोल ना जाए चाय, उबल ना जाए, उबाल ना जाए उसमें चाय में, तो मुझे पसंद नहीं आती है वो चाय, तो मैं उसमें अच्छी तरह अच्छे से उबाल लगाती हूँ, कम से कम 2-3 उबाल अच्छे से लगाती हूँ, और इलायची और अदरक मैं ज़रूर डालती हूँ अपनी चाय में, क्योंकि उन्हीं से स्वाद आता है हमारी चाय में, तो मैं 2 चीज़ें ज़रूर डालती हूँ। और अब तो मौसम आ भी गया है, मौसम चेंज भी हो गया है, तो अब अदरक भी अच्छे से चल रहा है खूब, तो मैं अदरक भी इस्तेमाल करती हूँ। और मैं कुछ कपड़े धोए थे मैंने सुबह के टाइम में, तो मैं उन कपड़ों को उतार कर लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं इनकी तय ही कर दूँ, मैं इनकी तय कर रही हूँ कि करके सारे कपड़ों को, यहाँ वहाँ युवान दूध पी रहा है और खेल भी रहा है वो, और वो मोटू पतलू देख रहा है, क्योंकि उसे मोटू पतलू बहुत पसंद होता है, इसलिए वो मोटू पतलू बहुत देख रहा है। इस बार मैं उसे एडमिशन करवाने की सोच रही थी, वो मैं बीमारी की वजह से नहीं करवा पाई, कोरोना COVID-19 जो चल रहा है इसकी वजह से नहीं एडमिशन करवा पाई, बच्चों की स्कूल ही सारे बंद पड़े हैं और बच्चों की ही पढ़ाई मतलब घर बैठ कर हो रही है ऑनलाइन, क्या करें, मेरी बेटी के लिए अब ऑनलाइन पेपर होने वाले हैं।
क्योंकि वो अभी छोटी है, फर्स्ट ईयर में है, तो उसका सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है, और जो उससे उसको आता है वो मैं उसको करवाती हूँ, वरना वो नहीं कर पाती तो मेरे को करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे मोबाइल में नहीं पूरी तरह से कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे मतलब बड़े बच्चे तो कर ही लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको ही बताना पड़ता है, और थोड़ा बहुत उनको करना भी बताना ही चाय पीती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा गर्म चाय पीने में। और यहाँ देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, और यहाँ मैंने कैमरा थोड़ा उल्टा पकड़ लिया, तो इसलिए गाइस सॉरी उसके लिए, और आप मतलब बैक करके भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए मेरा युवान बेटा, और मैं आपकी खेल रही चाय खिलौने पड़े हैं, तो आप लोग चाय पी लीजिए। और यहाँ पर मैं अपनी सब्जी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं मैंने धो के सारी सब्जियाँ रख दी हैं टोकरी में, क्योंकि धोना ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि और यहाँ मैं अपने चंद आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट भी है और मुझे भोग भी लगाना है भगवान का, और रात के 8:30 बज रहे हैं शाम के, तो मुझे जल्दी, मैं इसलिए जल्दी खाना बना रही हूँ और मुझे भोग भी लगाना होता है, इसलिए मैंने आलू और टमाटर की ही सब्जी छोड़ दी है जल्दी से, और ये बन जाएगी तो फिर मैं रोटियाँ भी बना लूँगी जल्दी, चावल भी बनाने हैं मुझे अभी ना। और देखिए यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है, देखो आप, मुझे सादा सब्जी भी पसंद आती है व्रत में, ये देखिए। और मैं अब अपने चावल भी छौंक दूंगी इसके बाद, यहाँ देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है धोकर, वही वाला कुकर, और यहाँ पर मैं अपने चावल भी चढ़ा दूंगी जल्दी से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल ज़रूर चाहिए होते हैं, वो बहुत खाते हैं चावल, मैं जल्दी से चावल छौंक दूंगी। Bye.
यहाँ पर मैं अपनी सारी रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि मुझे भगवान का भोग भी लगाना है, देर हो रही है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपनी सारा खाना बना लिया है और मेरा अब खाना तैयार होने वाला है और थाली लगा लूँगी मैं अब जल्दी से। ये देखिए मेरी थाली लग चुकी है और आप भी देख लीजिए मैं भगवान का, और यहाँ देखिए मेरी थाली लग चुकी है, मैं भगवान का भोग लगा रही हूँ, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। बाय।